गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आपका केडी क्लासेस में ही स्वागत है बेटा। देखिए आज चैप्टर सेकंड केमिस्ट्री में चैप्टर सेकंड हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है बेटा सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन के प्रकार आप लोगों को जो है पढ़ा रहे थे हम। तो पहला आप लोग जो है बेटा पढ़े थे जो है भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, यह आपको जो है बताया गया था। इसके बाद हम आप लोग जो है दूसरा पढ़ रहे हैं बेटा सांद्रण के आधार पर, सांद्रण के आधार पर। तीसरा हम आप लोग पढ़ेंगे बेटा विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। तो आइए हम लोग जो है पहले चर्चा कर लेते हैं बेटा सांद्रण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं। सांद्रण के आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं, तो देखिए बेटा सांद्रण के आधार पर विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला हम आप लोग बता सकते हैं बेटा तनु विलयन, जिसे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हो। दूसरा आप बताएंगे सांद्र विलयन, जिसे हम आप लोग बेटा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। इसके बाद तीसरा आप बताएंगे संतृप्त विलयन, तो संतृप्त विलयन को हम आप लोग जो है सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। और लास्ट आप बता सकते हैं बेटा अतिसंतृप्त विलयन, क्या बताएंगे अतिसंतृप्त विलयन, जिसे बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो हम लोग जो है सबसे पहले यह चर्चा करेंगे बेटा डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसे तन विलयन कहते हो। तो देखिए डाइल्यूट को का मतलब होता है तन, और तन का मतलब आप जानते हैं बेटा पतला, अर्थात जिसमें जल की मात्रा ज्यादा हो या जिस विलयन में जल की मात्रा ज्यादा हो उसे हम आप लोग जो है कह सकते हैं बेटा तन विलयन, और जिस विलयन में जल की मात्रा कम होगी उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा सांद्र विलयन कहेंगे। तो हम लोग जो है सबसे पहले ये पढ़ेंगे इसमें तनु विलयन, इसे डाइल्यूट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो आप बता सकते हैं बेटा वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की मात्रा या विलेय की तुलना में बहुत अधिक होते हैं, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होता है उसे तनु विलयन कहते हैं। तो यही चीज आपको बताया जा रहा था कि जिस विलयन में जल की मात्रा अधिक हो, अर्थात सार्वत्रिक विलयन विलायक आप जानते हैं जिसे हम आप लोग जो है बेटा जल कहते हैं। तो जल जो है सबसे अच्छा और सबसे अच्छा विलायक आप बेटा बता सकते हैं, सस्ता और अच्छा वह क्या है बेटा जल ही है। तो आप लोग जो है ये जान लिए होंगे बेटा तन विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत अधिक होते हैं तन विलयन कहलाते। दूसरा आप बताएंगे इसमें बेटा सांद्र विलयन, पहला आप पढ़ चुके तन विलयन, इसके बाद सांद्र विलयन जिसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए बेटा वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में बहुत कम होती है, वह विलयन जिसमें विलायक की मात्रा विलेय की तुलना में कम होते हैं उसे हम आप लोग बेटा सांद्र विलयन कहते हैं। तो यही आपको बताया गया कि जिस विलयन में जल की मात्रा या विलायक की मात्रा कम होगी उसे हम आप लोग सांद्र विलयन कह देंगे, और जिस विलयन में विलायक की मात्रा अधिक होगी उसे क्या कहेंगे बेटा तनु विलयन कहेंगे। इसके बाद संतृप्त विलयन पढ़ेंगे, क्या बेटा संतृप्त विलयन। तो आप यह बताएंगे बेटा संतृप्त विलयन किसे कहते हैं, वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलेय की
और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, संतृप्त विलेय कहेंगे। तो कहने का मतलब यही होगा, जैसे आप जल ले लेंगे, जल में चीनी को आप डालते रहेंगे तो चीनी क्या होगी बेटा, घुलती घुलती जाएगी, और चीनी को आप लगातार ऐसे डालते रहेंगे तो एक अवस्था ऐसी आएगी चीनी का घुलना क्या होगा बेटा, बंद हो जाएगा। तो उसी विलयन को हम आप लोग क्या कह सकते हैं, संतृप्त विलयन। इसलिए आप यहाँ आपको बताया जा रहा था कि वह विलयन जिसमें स्थिर ताप पर और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, और अधिक विलेय नहीं घोला जा सकता है, उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं, संतृप्त विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं, संतृप्त विलयन कहेंगे। ठीक, तो ये आप जो है बेटा जान गए होंगे संतृप्त विलयन क्या है, संतृप्त विलयन। अब इसी संतृप्त विलयन में आप जो है एक चीज जो है बेटा नोट में लिख लीजिएगा, ठीक, नोट में लिख लीजिएगा कि जैसे विलेयता सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं, तो आप ये बताएंगे सॉल्युबिलिटी किसी निश्चित ताप पर, किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घुलित विलेय की मात्रा उसकी विलेयता कहलाती है, अर्थात उसको हम आप कह सकते हैं विलेयता को घुलनशीलता। क्या बताएंगे, किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन में घुलित विलेय की मात्रा उसकी विलेयता या घुलनशीलता कहलाती है, जिसे हम आप लोग बेटा किस के नाम से जानते हैं, बेटा संतृप्त विलयन के नाम से जानते हैं। नोट में जरूर आप नोट कर लीजिए, विलेयता इसको हम आप लोग क्या कहते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी के नाम, सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं, किस नाम से, सॉल्युबिलिटी के नाम से जानते हैं, इसे आप विलेयता बोलते हैं। ठीक, अब जो है आप देखेंगे बेटा इसमें असंतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन से आप अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हो, तो आप बताएंगे यदि किसी विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम, यदि किसी विलयन में विलेय की मात्रा संतृप्तता के लिए आवश्यक मात्रा से कम, उसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, असंतृप्त विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, असंतृप्त विलयन कहेंगे। लास्ट आप देखेंगे असंतृप्त विलयन, क्या असंतृप्त विलयन से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, तो इसमें यह बताएंगे जब किसी संतृप्त विलयन को बेटा गर्म किया जाता है तो उनमें विलेय पदार्थ को घोलने की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। कहने का मतलब आप पानी ले लेंगे और चीनी ले लेंगे, पानी में जब चीनी को डालेंगे चीनी क्या होगी बेटा, घुलती हुई चली जाएगी। तो वही हम आपको बता रहे हैं बेटा, जब किसी संतृप्त विलयन को गर्म किया जाता है तो इसमें विलेय पदार्थ को घोलने की क्षमता में क्या हो जाता है बेटा, वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार का विलयन असंतृप्त विलयन कहलाता है, और हम आप लोग ये बता सकते हैं यह साधारण ताप पर जो है हम आप लोग जो इसको बना नहीं सकते हैं, या इसे साधारण ताप पर बेटा जो है निर्मित नहीं किया सकता है। तो हम आप लोग जो है आज सांद्रण के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ रहे थे बेटा, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन। ठीक, देखिए दोस्तों आप लोग जो है बताया जा रहा विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, तो आइए हम लोग जो है देखते हैं बेटा विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन को निम्नलिखित तीन भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में, तीन भागों में। पहला आप बताएंगे गैसियस विलयन या गैसी विलयन,
दूसरा द्रव विलयन और तीसरा ठोस विलयन। गैसीय विलयन को गैसियस सोलूशन के नाम से जानते हैं, द्रव विलयन को लिक्विड सोलूशन के नाम से जानते हैं, ठोस विलयन को सॉलिड सोलूशन के नाम से जानते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले गैसीय विलयन क्या बेटा। गैसीय विलयन इसकी डिफिनेशन आप नोट करते रहिए, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होते हैं उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, गैसीय विलयन। इसके बाद द्रव विलयन क्या पढ़ेंगे बेटा, द्रव विलयन। तो आप ये बता सकते हैं इस प्रकार के विलयन में विलायक पदार्थ जो होता है बेटा द्रव अवस्था में होता है। इस प्रकार के विलयन में जो विलायक होता है बेटा वह द्रव परावस्था में होता है, इसीलिए इसे हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, द्रव विलयन कहेंगे। क्या कहेंगे, द्रव विलयन। और इस द्रव विलयन को आप जलीय विलयन के नाम से भी जानते हैं, किस विलयन के नाम से, जलीय विलयन के नाम से जानते हैं। ठीक, लास्ट आप देखेंगे ठोस विलयन। यदि किसी ठोस द्रव व गैस के कण आणविक या परमाणविक आकार में किसी दूसरे ठोस पदार्थ में अनियमित रूप से क्या होते हैं बेटा, परिवर्तित हो जाते हैं, परिक्षिप्त हो जाते हैं, उन्हें हम आप लोग क्या कह सकते हैं बेटा, ठोस विलयन। क्या कहेंगे, ठोस विलयन। तो आप जो है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर, सांद्रण के आधार पर और भौतिक प्रावस्था के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ चुके। भौतिक प्रावस्था के आधार पर आपको विलयन 9 प्रकार के बताए गए थे, सांद्रण के आधार पर जो है विलयन आपको बताया गया था बेटा तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और इसके बाद जो है असंतृप्त विलयन। लास्ट आप पढ़ रहे थे बेटा विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायकों की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया। आपको जो है बताया गया गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन, और इनकी डिफिनीशन भी आप लोगों को जो है बता दिया गया। तो जनरली आप जो है इसको बुक से भी पढ़िएगा और अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होती है आप कमेंट में जो है जाकर के क्लिक कर दीजिएगा, वह नोटिफिकेशन आपको जो है तो मिल जाएगा। धन्यवाद।